नोटबंदी के फैसले को संगठित लूट बताकर मोदी सरकार को घेरने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बुधवार को आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के बचाव में उतर आए। दरअसल बुधवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर वित्तीय मामलों की स्थायी समिति के सामने पेश हुए थे। इस दौरान आरबीआई गवर्नर रह चुके मनमोहन सिंह ने उन्हें चुनिंदा सवालों का जवाब देने से बचने की सलाह दे डाली, जिससे विपक्ष सरकार को घेर सकता था। हालांकि इनमें से कुछ सवाल ऐसे भी थे जिसके जवाब आने से आरबीआई के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। सूत्रों के मुताबिक वित्तीय मामलों की स्थायी समिति में कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने जब पटेल से पूछा कि अगर नकदी निकासी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाए तो क्या माहौल अराजक हो जाएगा, इस पर सिंह ने पटेल को समझाया कि आपको इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए। बुधवार को आरबीआई प्रमुख ने समिति को बताया कि नई करेंसी में 9.23 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में डाले जा चुके हैं। उर्जित पटेल ने संसदीय समिति को यह भी बताया कि नोटबंदी पर चर्चा पिछले साल जनवरी से जारी थी। आरबीआई गवर्नर का यह बयान समिति को पहले दिए गए उस लिखित बयान के उलट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के नोटों को प्रचलन से हटाने की घोषणा से सिर्फ एक दिन पहले 7 नवंबर को सरकार ने आरबीआई को बड़े नोटों को रद्द करने की सलाह दी थी। सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि वित्त मामलों की समिति पटेल के जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और हो सकता है कि उन्हें एक बार और बुलाया जाए। वैसे 20 जनवरी को इस मुद्दे को लेकर पटेल को लोक लेखा समिति के सामने भी पेश होना है। तो बुधवार को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नरम रुख ने सबको चौंका दिया। हालांकि पिछले साल नवंबर में मनमोहन सिंह ने संसद में पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले को प्रबंधन की विशाल असफलता करार दिया था। देखते रहिए डीबी लाइव।